नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बीते कुछ दिनों पहले इंदौर में शिवसेना संगठन के पूर्व प्रदेश मंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे समूचे मध्य प्रदेश के हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। इस मामले को लेकर हिंदुवादी संगठन शिवसेना ने प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसका असर सागर में भी देखने को मिला। गुरुवार को शिवसेना उप राज्य प्रमुख पप्पू तिवारी के नेतृत्व में सागर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक अनिल शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि मामले में आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। सौंपे गए ज्ञापन को लेकर उप राज्य प्रमुख तिवारी ने बताया कि प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से हिंदुवादी नेताओं की लगातार हत्याएं हो रही हैं। बीते दिनों विदिशा में बजरंग दल के एक नेता की हत्या कर दी गई थी। इसी तरह अगर सरकार का रुख रहा तो शिवसेना संगठन उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य रहेगी। प्रदेश के पूर्व प्रदेश प्रमुख श्री रमेश साहू की गोली मारकर इंदौर में हत्या की गई है, जिससे सागर संभाग के पूरे शिवसैनिक आक्रोशित है। आज माननीय आईजी साहब को शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दिया गया है और मांग की गई है कि दो दिन के अंदर अगर हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ईंट का जवाब कानून दे या ना दे, प्रशासन दे या ना दे, ईंट का जवाब पत्थर से मध्य प्रदेश के और सागर संभाग के शिवसैनिक देंगी। क्योंकि रमेश साहू की हत्याएं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में नहीं हुई, उससे चार गुनी हत्याएं शिवराज सिंह सरकार